हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम के सबसे खतरनाक बॉलर हसीम शाह के दोनों भाई उबैचा और हुनैन शाह भी क्रिकेट में आकर छा गए हैं और पीएसएल में इन्होंने बड़ी ही रौनक लगा रखी थी। चलिए आज आपको इन तीनों शाह भाइयों के कुछ ऐसे ही मजाया सीन्स दिखाएंगे, तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले उबैचा को देखें, जो पिशावर जलमी के खिलाफ नजूमी बनने लगे थे, लेकिन इस गेंद पर आउट होने की वजह से ये कैमरे के सामने ढीठ हो जाएंगे। गजब बेइज्जती है। इसी तरह नसीम शाह बड़ी सादगी से सवाल पूछने वाले का मोए मोए कर देंगे। मम्मी, कहाँ बॉल कराना चाह रहे हो? पिच पे। अब जैसे कि एंकर बेचारी उबैचा के हाथों इंसल्ट करवा लेगी, ये अपनी तरफ से एफिशिएंसियां मारने लगी थी। अभी आपने मेरी बॉलिंग नहीं देखी है ना, जब आप देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे, पता है आपको। अल्लाह ना करे कि मैं देखूं आपकी बॉलिंग। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो यहाँ पर हुनैन शाह और उबैचा की शरारतें देखें। इनको ये भी नहीं पता कि ये गेम कौन सी है। अगर दोस्तों आपको इस गेम का नाम पता है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हेलो, ये फुटबॉल है। हेलो, क्या है? हेलो, तो फुटबॉल ही है और क्या? नहीं, फुटबॉल इसका कोई और दावे पर मुझे बढ़ावे बढ़ावे वही फुटबॉल ही है। ये है, चलो कहाँ से फुटबॉल? वैसे गोल। अगली वीडियो में हुनैन शाह ऑटोग्राफ देते देते बंदे का 1000 रुपए का नोट ईदी समझकर काबू करने लगे थे। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसी तरह नसीम शाह जाते जाते जैनब अब्बास का दुपट्टा भी लेकर जाने लगे थे। लगता है कि इन्होंने जानबूझकर जैनब को छेड़ा है। हेलो। बड़ा हरामी हो। दोस्तों, यहाँ पर उबैचा बच्चों की नींद हराम करने लगे हैं। अक्सर लड़के हॉस्टल लाइफ में ऐसी ही शरारतें करते हैं। अब जैसे कि नसीम शाह की मासूमियत चेक करें, कि इंतहाई मासूमियत से लड़की को मना कर रहे थे। अभी तो हम एयरपोर्ट पे नहीं है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। अगली वीडियो में सारी आवाम ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहनकर बैठी थी, जबकि अकेले नसीम शाह बच्चों की तरह यूनिफॉर्म पहनकर आए हुए थे। इनकी मासूमियत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर हुनैन शाह और उबैचा गेम खेल रहे थे और लगता है कि उबैचा को नए के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। डी डे मे रे आपने आप रे ने आप ये। इसी तरह नसीम शाह और इनकी डिंग डोंग बबल का रिश्ता बहुत ही पुराना है, ये बचपन का रिश्ता अभी भी नहीं छोड़ रहे। बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी, जंगल में गाती फिरती थी चारों तरफ। अब जैसे कि नसीम शाह बच्चों को चुप कराने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे थे, अब इन बच्चों को क्या पता कि बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं होता। दोस्तों, उबैचा इन तीनों भाइयों में सबसे छोटा होने के बावजूद भी इतने लंबे हैं और नसीम शाह इनके बराबर आने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में नसीम शाह लैनवियो का असली नाम बता देते हैं। ओ वी ओ लेनवे वो। क्या बोला तूने? ओ वी ओ लेनवे वो। पहले क्या बोला? ओ वी ओ लेनवे वो।
जू नो संग नो चल चल चलो। इसी तरह नसीम शाह इफ्तियारी के लिए पकोड़ों का मैसेज करते हुए पकड़े जाएंगे। मेरे लिए पकोड़े छोड़ के रखना, वापसी टाइम में आके खाऊंगा। दोस्तों पीसीबी को चाहिए कि ऐसे सहाफियों को बैन कर दे, इन्होंने पठान को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। अच्छा मुझे बताएं कि आप तो पठान है माशाल्लाह से, नस्वार रखते हैं आप की नहीं रखते? ये लाजमी नहीं है कि पठान है तो नस्वार रखेगा। पंजाबी में जैसे लोग है कि वो नस्वार रखते हैं, और जैसे कहते हैं हम नस्वार न रखे हमारा दिमाग पिर जाता है, शायद होगा लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हम। अब जैसे कि पीएसएल में शाह ब्रदर्स ने बच्चों को संभालने का ठेका लिया हुआ था, अगली वीडियो में हुनैन शाह को छक्के मारने की चस फील हो रही थी कि बॉलिंग छोड़कर बल्ला पकड़ने निकल पड़ेंगे। मैं बल्ला और ग्लव्स उतारने जा रहा हूँ, वो देख छक्के मार रहे यार, मुझे मजा आ रहा है यार उनको देख, वो देख ना यार शॉटे मार रहे तो मुझे मजा आ रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है ये शॉटे मारने का, छक्के मारने का। बता मैच में बारी आ जाए तो बंदा तैयार रहे यार, हाँ छक्के मारने मैं जा रहा हूँ अभी, बल्ला अपना सामान लेने के बता। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ इसका बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों भाइयों का एक साथ रिएक्शन चेक करें। भाई मजा आया, भाई मजा आया। इसी तरह ये बच्ची सेल्फी लेने आई थी और नसीम शाह मासूमियत से मोबाइल पर ऑटोग्राफ देने लग जाते हैं। अब जैसे कि उबैद शाह एक उंगली के इशारे पर वहीं जैम हो जाएंगे, फर्मा बदारी हो तो ऐसी। ओ दादा निया उनी कहाज लतलो दादा पासपोर्ट बजे न मोटरसाइकिल कागज न उड़ो। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।